चार लोग दिख रहे हैं। राहुल रूम पे हो कि घर पे हो? सारे लोग वहाँ स्कूल के पास भी हैं रूम पे। एक दो मिनट और देख लेते हैं किसी को आना हो। स्टूडेंट है, छह लोग काम के हो, अभी अजीत कुमार यादव, अभी लास्ट तक तीन चार बच्चों के। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का समय हो गया टोटल जब से स्टार्ट किए हुए। आज कुछ हमको इक्विपमेंट देखना है जो बचे हुए थे सब स्टेशन में, उसके अलावा लेआउट है सब स्टेशन का लेआउट 33/11 के भी और 220/33 के भी इसका लेआउट है, ये हमको देखना है। ठीक, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट एक सेकेंड जो भी है, कल हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या हो गया? मोहम्मद कैफ
सर नहीं, नया स्टूडेंट नहीं आया। नया स्टूडेंट कहाँ से आया? सब पुराने। कोई है तो पहचानो जानो। इक्विपमेंट में कल शायद बस बाढ़ तक हुआ था। बस बाढ़ के आगे देखो, बस बाढ़ ही हुआ था ना? बताओ जल्दी, या उससे आगे भी हुआ था या रिएक्टर तक हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था जरा झट से बताओ। छोड़ो यार, होगा कोई। रिएक्टर, ठीक। सुमन मौर्य गुड मॉर्निंग। आगे देखिए आपका आता है रिएक्टर के बाद स्टेशन इंसुलेटर। स्टेशन इंसुलेटर में वैसे तो आप कई तरह के इंसुलेटर पढ़े हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, साइक्ले इंसुलेटर। लेकिन जो सब स्टेशन पे, सब स्टेशन ठीक है, जो सब स्टेशन पे इंसुलेटर यूज़ होता है वो एक दूसरे तरह का होता है। आपकी ज़रूरत क्या होती है वो दिखा रहे हैं, उसको देखिए। आपकी ज़रूरत इस तरह की होती है, ये दिख रहा है आपको, ये जमीन से और कुछ ऊंचाई पे ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। जमीन से कुछ ऊंचाई तक ये पोल टाइप का है, इसी पे ये इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर दूसरे टाइप है, ना ये पिन टाइप है ना डिस्क टाइप है। कोई इसका नाम बता सकता है कौन सा इंसुलेटर है ये? स्ट्रेन टाइप, दीपक यादव कह रहे हैं नहीं स्ट्रेन टाइप नहीं, वो है उसका नाम है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर सब स्टेशन में इसी टाइप का इंसुलेटर यूज होता है, पोस्ट इंसुलेटर।
नहीं, एक और वैरायटी होता है पोस्ट इंसुलेटर, वो सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर में भी एक और तरह का, एक है बुशिंग टाइप इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर ये एक इस तरह का होता है, इसको देखिए फिगर में, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ये पोस्ट टाइप का है और दूसरा वाला जो है वो बुशिंग टाइप इंसुलेटर। हाँ, इसको बस बाहर में यूज करते हैं, इसीलिए तो सब स्टेशन पे यूज कर रहे हैं। रविकांत गौतम, ये पहला वाला पोस्ट टाइप इंसुलेटर है और दूसरा बुशिंग टाइप इंसुलेटर है। 2000 एम्पियर से अधिक करंट के लिए बुशिंग वाला यूज करते हैं और उससे कम के लिए पोस्ट टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं। ठीक, अब आगे आता है, इसमें इतना ही है कि आप जानते रहिए कि ये इंसुलेटर यूज होता है, बाकी कि आपके डिटेल इसका स्टडी आपके सिलेबस में नहीं था। आगे है कि ऋषि स्विच गेयर, स्विच गेयर में आपके एयर ब्रेक स्विच आते हैं, एयर ब्रेक स्विच आते हैं, इसके अलावा आयल स्विच आते हैं, इसके अलावा आपके आइसोलेटर आते हैं, ये भी स्विचिंग ही है, आइसोलेटर। ठीक, और अर्थिंग स्विच भी आता है, जो अर्थिंग की हुई होती है कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि उसको डिस्कनेक्ट करने की, तो उसलिए अर्थिंग स्विच यूज होता है। ये सारे आपके स्विचेस यूज होते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा पांचवें नंबर पे आता है आपका फ्यूज। फ्यूज के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, एचआरसी फ्यूज और फिटकेट फ्यूज, ये सारी चीज़ें। फ्यूज के बाद आता है सर्किट ब्रेकर, ये आप आगे पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर एसजीपी में, कि सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसका ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें एसजीपी में पढ़ेंगे। अभी उसको यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है। इसमें एयर सर्किट ब्रेकर आता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है, और SF6 गैस सर्किट ब्रेकर आते हैं, ये वैरायटी है सर्किट ब्रेकर की। इसके अलावा आप क्या यूज़ करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या बेसिक अंतर होता है, जरा कोई बताए झट से। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बस स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज सप्लाई अलग देते हैं। सर नहीं यार, ये
जब पढ़ाया गया होगा ट्रांसफार्मर तो बताया गया होगा, और पावर स्टेप और स्टेप डाउन दोनों कर सकता नहीं, ये नहीं है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी है, नहीं ये भी नहीं सही है, BBS फैक्ट एंड रिव्यूज, ये कौन है भैया, ये BBS फैक्ट एंड रिव्यूज कौन है। ये जो होता है पावर ट्रांसफार्मर आपका, मान लीजिए 100 मेगावोल्ट एम्पियर का पावर ट्रांसफार्मर है, तो उसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि वो 100 मेगावोल्ट एम्पियर पर ही ऑपरेट करे, ठीक है, तभी उसकी इफिशियंसी अच्छी आएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हाफ लोड के लिए डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मेनली हाफ लोड के लिए डिज़ाइन होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड के लिए डिज़ाइन होते हैं, क्लियर। ऐसे अगर पावर ट्रांसफार्मर की तरह जगह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप यूज कर दें तो क्या होगा, उसकी इफिशियंसी घट जाएगी, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जगह पावर ट्रांसफार्मर यूज कर दें तब भी उसकी इफिशियंसी घट जाएगी, ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है। ये कौन स्टूडेंट है पहचान रहे हो, BBS फैक्ट एंड रिव्यूज करके, ठीक। अब आगे आता है आपका प्रोटेक्टिव रिलेस, ये भी आप SGP में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सर वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है पावर में, हाँ ये भी चीज़ सही है, वोल्टेज रेगुलेशन उसका अच्छा होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। आगे है आपका, होगा कोई स्टूडेंट, आगे है आपका प्रोटेक्टिव रिलेस, प्रोटेक्टिव रिले क्या होता है, जैसे कोई सर्किट ब्रेकर है, ठीक, तो अपने आप तो ऑपरेट करेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक सिग्नल चाहिए होता है, और सिग्नल कब मिलेगा आपको, जब आपके परिपथ में सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशंस से मतलब अर्थ फॉल्ट, फेज फॉल्ट, किसी तरह का फॉल्ट उसमें आता है, तब वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें रेटेड करंट से कम करंट या ज़्यादा करंट फ्लो होता है, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो रिले का क्या काम है कि एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करना कि हाँ अब वो कंडीशन आ गई, और वो सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देना, जिससे सर्किट ब्रेकर क्या करे, ट्रिप कर सके, ट्रिप करने का मतलब सर्किट को ब्रेक कर सके, ठीक। इसका जो बेसिक एलिमेंट है रिले का वो देख लीजिए, ये है बेसिक एलिमेंट सर्किट रिले का, रिले का ये क्या है, इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट है जो सेंस करता है, फिर दूसरा है कंपैरिजन, ठीक, कंपैरिजन का मतलब सेंस करेगा कि क्या वो करंट जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा है या कम है, ये कंटिन्यूस क्या करता है, कंपैरिजन करता है, ठीक। तो दूसरा कंपैरिजन एलिमेंट, तीसरा क्या है, कंट्रोल एलिमेंट, ये सिग्नल अगर ये रेटेड करंट से कम या ज़्यादा है तो ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और फिर आगे ट्रिप सर्किट को ये देता है, ये इसके बेसिक एलिमेंट है, ठीक, रिले के। अच्छा ये रिले का सर्किट डायग्राम है, इसमें देखिए ऊपर एक बैटरी लगी हुई है, फिर ट्रिप कॉयल है जो ऊपर आ रहा है वो सर्किट ब्रेकर एरो से दिखाया गया है, नीचे आपका रिले है, रिले जब एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, सर्किट को जो बैटरी वाली सर्किट है उसको क्लोज कर देगा और सर्किट ब्रेकर का जो कांटेक्ट पीछे खींचा जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ठीक। ये रिले का अरेंजमेंट है, ठीक है।
आगे देखिए कि आगे आता है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में पहला होता है करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर CT और PT। सर ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले यूज होता है? ट्रांसफार्मर में और भी रिले यूज होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए मेन आप कौन सा रिले यूज करते हैं? ग्लूकोज रिले। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले आप यूज करते हैं, ठीक है। ये CT और PT। CT का जो प्राइमरी करंट होता है वो 10 एम्पियर से 3000 एंड अबव इतने रेटिंग के लिए होता है, और जो सेकेंडरी करंट होता है उसकी रेटिंग क्या होती है? 5 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर इतने रेटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। CT की रेटिंग 10 एम्पियर से 3000 या उसे ऊपर तक की हो सकती है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर, 1 एम्पियर और 0.5 एम्पियर। इसका बर्डन कितना होता है? बर्डन आप आगे आप लोग पढ़ेंगे। 5 मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए कितने पावर की ज़रूरत पड़ती है? 5 से 150 वोल्ट एम्पियर, जो जितना पावर कंज्यूम करता है इतना, 5 से 150 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये CT का हो गया। PT का इसी तरह से देखें, PT का कोई खास ऐसे रेटिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना दिया हुआ है कि PT का जो प्राइमरी का वोल्टेज रेंज है वो 400 से सेवरल थाउजेंड वोल्ट, इतना हो सकता है, और जो सेकेंडरी का है उसका वोल्टेज 110 वोल्ट पे फिक्स रखते हैं। सेकेंडरी का वोल्टेज 110 वोल्ट पे फिक्स रखते हैं, और हमेशा सेकेंडरी को शार्ट रखा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में इतनी बातें हैं। अब आ जाइए लाइटनिंग अरेस्टर। आकाशीय बिजली से रक्षण के लिए हम क्या करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर में आपका कई तरह का होता है, जैसे अच्छा ये यूज कहाँ कहाँ करते हो? लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हो, सब स्टेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरकनेक्टर्स के लिए और पावर हाउसेस के लिए यूज करते हैं। इनके टाइप क्या है? रोड गैप में हॉर्न गैप अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर, थायराइड अरेस्टर, थायराइड अरेस्टर और एक्सप्लोशन टाइप, एक्सप्लोशन टाइप अरेस्टर। सत्यम कुमार पहली बार आ रहे हो क्या भाई? और वाल्व टाइप,
इस तरह के लाइटनिंग अरेस्टर यूज होते हैं। ये इस इनका डिटेल स्टडी जब आप SGP पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। इसके बाद आता है 11वें नंबर पे इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग ये आकाशीय बिजली से रक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक। प्रोटेक्टिव रिले वो होता है जो परिपथ की एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करता है और ट्रिप सर्किट को सिग्नल देता है कि सर्किट को ब्रेक कर दो, जिससे कि एबनॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल स्थिति से रक्षण हो सके। इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है एमीटर, वोल्टमीटर और वाट मीटर और किलोवाट आवर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव मीटर, ये सारे मीटर आपके यूज होते हैं मीटरिंग और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। इसके बाद आता है, आपको पता है जो आपकी रिले होती है वो बैटरी से ऑपरेट होती है, तो रिले को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, बैटरी। बैटरी बैटरीज में दो तरह की होती है, लेड एसिड बैटरी और एल्कलीन बैटरी। और ज़्यादातर जो आप यूज करते हैं सब स्टेशन पे वो कौन सी बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरीज को यूज करते हैं। और डिफरेंट कई लेड एसिड बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके 110 वोल्टेज का DC वोल्टेज प्राप्त करते हैं, वही रिले के लिए यूज होता है। प्रोटेक्टिव रिले का हाँ ठीक, ये हो गया बैटरी। इसके अलावा कैरियर करंट इक्विपमेंट आते हैं। 13 नंबर पे कैरियर करंट इक्विपमेंट, जैसे जब संचार के इतने साधन नहीं थे, अभी आपके पास संचार के बहुत सारे साधन हैं। मान लीजिए कभी कभी आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन से तो आप बात ही करते हैं, कभी कभी अगर वो मोबाइल वाला नेटवर्क नहीं काम करता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत व्हाट्सएप करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, डुओ के थ्रू ठीक। अभी आपके पास संचार के साधन ज़्यादा हैं, इन पहले जब संचार के साधन कम हुआ करते थे तब एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पे बात करने के लिए क्या करते थे, वही जो पावर लाइन है उसी में कैरियर सिग्नल को हम क्या करते थे, इम्पोज कर देते थे, कैरियर सिग्नल को उसी के साथ ट्रांसमिट कर देते थे और दूसरे सब स्टेशन पे उस कैरियर सिग्नल को रिसीव कर लिया जाता था। इस तरह से पावर लाइन के द्वारा ही हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लेते थे ठीक। तो ये कैरियर करंट इक्विपमेंट क्यों यूज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा काम क्या है, रिले पर्पज के लिए। जैसे रिले आपका, मान लीजिए रिले आपने यहाँ लगाया है और उसका जो इफेक्ट है वो आपको 10 किलोमीटर दूर, जैसे ठीक है यहाँ सेंस कर रहे हैं लेकिन सर्किट ब्रेकर है 10 किलोमीटर दूर आपने सेट किया हुआ है, तो उसको ट्रिप करने के लिए सिग्नल चाहिए होगा ना, तो वो सिग्नल कैरियर करंट इक्विपमेंट के थ्रू जाता है। इसके अलावा टेलीमीटरिंग, जैसे बहुत दूर से आप करंट या पोटेंशियल या और चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे आपका मीटर बहुत दूर लगा आप मेजर यहाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए टेलीमीटरिंग के लिए। इसके अलावा सुपरवाइजरी कंट्रोल के लिए, मतलब दूर से बैठ के आप कंट्रोल कर सकें, इसके लिए, इन सब के लिए क्या होता है, कैरियर करंट
इक्विपमेंट लगा होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल केबल। ये क्या होता है, क्या बला है? कंट्रोल केबल में जैसे सब स्टेशन के बिल्डिंग में एक कंट्रोल रूम होता है, और बाहर आपके बस बाहर जहां होता है वहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सीटी पीटी सर्किट ब्रेकर स्विचेस ये सब लगे हुए होते हैं, तो उनका कंट्रोल कंट्रोल रूम से होता है, और कंट्रोल रूम से उन इक्विपमेंट तक केबल गया होता है, उसी केबल को क्या कहते हैं, कंट्रोल केबल। और कंट्रोल केबल 61 कोर तक में उपलब्ध है। कंट्रोल केबल जब आपको केबल पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि 61 कोर तक अवेलेबल है कंट्रोल केबल, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, स्विच यार्ड, स्विच यार्ड, इसमें आपका ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर ये सभी लगे होते हैं सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इतने मेन आपके सामान हैं, ठीक है, इतने मेन आपके आइटम हैं सब स्टेशन के, और भी होते हैं लेकिन ये मुख्य हैं। अच्छा एक चीज, अर्थिंग के लिए बड़े सब स्टेशनों के लिए आपने 2-3 टाइप की अर्थिंग पढ़ा है, रोड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, और रोड पाइप और प्लेट अर्थिंग, ये 3 पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा एक होता है कि अर्थिंग मैट में क्या करते हैं, कापर के कंडक्टर को इस तरह से ऐसे जाली बना देते हैं, ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जमीन में लगा देते हैं, जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अर्थिंग मैट, ये बड़े सब स्टेशन के लिए इसको यूज करते हैं अर्थिंग मैट का, ठीक। आगे आ जाइए आप, आगे है लेआउट ऑफ 33 kV / 11 kV सब स्टेशन, उसका लेआउट वो हम देखते हैं। ये सामान हो गए, क्या क्या सामान रखना है, अब लेआउट देख लेते हैं। ये सबको दिख रहा है या और ऊंचाई पे करें, एक और रख के देखते हैं। हाँ अब और क्लियर होगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको क्लियर, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, महेश कुशवाहा कह रहे हैं क्लीन नहीं है नेटवर्क, अपना रिफ्रेश कीजिए, जूम करें, जूम करेंगे तो कुछ फिगर बाहर हो जाएगा ना भाई। चलिए देखिए जूम करके ही किए,
देखिए यहाँ से 33 KV की, यहाँ से 33 KV की इनकमिंग लाइन आई है, यहाँ से 33 KV की इनकमिंग लाइन आई है। ये क्या हम बता रहे हैं, 33 KV बटा 11 KV सब स्टेशन का लेआउट, की डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है, लेआउट डायग्राम या की डायग्राम। यहाँ से 33 KV की इनकमिंग लाइन आई है, मतलब सब स्टेशन पे आपकी बाहर से आई हुई है, और सबसे पहले यहाँ पे आइसोलेटर नंबर 1 लगा है, ठीक, नंबर 1 लगा है। फिर इसके बाद क्या लगा है आपका, सर्किट ब्रेकर, ये 33 KV का सर्किट ब्रेकर लगा, ठीक। और उसके बाद ये किसका सिंबल है, सीटी का, करंट ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, सीटी का सिंबल है। और इसकी रेटिंग क्या है, 200 से 100 एम्पियर प्राइमरी और सेकेंडरी का 5 एम्पियर, ठीक। अब इसके बाद ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है, ये लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये 33 KV का जो थिक लाइन आपको दिख रहा है, 33 KV का बस बार है। बस बार के बाद 2 सर्किट आई हुई है, यहाँ पे देखिए बस बार के बाद 2 सर्किट आई हुई है, और 2 सर्किट में यहाँ पे आइसोलेटर नंबर 2, यहाँ पे आइसोलेटर नंबर 3 यूज हुआ है। फिर आपके ये ट्रांसफार्मर है, क्या रेटिंग है, 5 MV एम्पियर 33/11 KV ट्रांसफार्मर नंबर 1, और ये 33/11 KV ट्रांसफार्मर नंबर 2। ये 2 जो ट्रांसफार्मर हैं इनका जो आउटपुट है वो कहाँ से गया है, बस बार कितने केवी का होता है। अरे भैया यहाँ पे 33 KV का सारा वोल्टेज है, ये 33 KV का बस बार है, बस बार किसी एक वोल्टेज का नहीं होता है। जितने वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, 33 KV, 11 KV, 66 KV, 132 KV, 220 KV, सभी का होता है, ठीक। तो ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट किसके थ्रू कर रहे हैं, 11 KV, यहाँ आउटपुट वोल्टेज क्या है, 11 KV है। तो ये 11 KV और 3×300 mm² अंडरग्राउंड केबल के द्वारा, 2 केबल के द्वारा ये गई है, एक ट्रांसफार्मर से एक दूसरे ट्रांसफार्मर से, ठीक। आप इधर आ जाइए, ये जो ट्रांसफार्मर से आया है आपका, ये पहले ट्रांसफार्मर से जो आया है उसको देखिए, ये यहाँ ऊपर गया है, ठीक। और ऊपर पहले क्या लगा है, सीटी लगा है, कितने का, 400 से 200 एम्पियर प्राइमरी और 5 एम्पियर सेकेंडरी। इस सीटी के बाद ये क्या है, सर्किट ब्रेकर लगा है। फिर ये बस बार में चला गया, ये बस बार कितने वोल्टेज का है, 11 KV का, ठीक। इस बस बार, अब इस बार बस बार से लेफ्ट आएंगे आप तो देखेंगे यहाँ एक सर्किट ब्रेकर ये लगा है। सर्किट ब्रेकर के बाद फिर तुरंत सीटी लगा है, 100 से 50 एम्पियर/5 एम्पियर, ठीक। और इस सीटी के नीचे कैपेसिटर्स लगे हैं, 1.2 MV कैपेसिटर बैंक। इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है वोल्टेज वेरिएशन को कंपनसेट करना, जो वोल्टता में फ्लक्चुएशन होता है उसको कंपनसेट करना। ये लेफ्ट वाला हो गया। अब इसके राइट देखिए, राइट क्या है, ये यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, फिर सीटी, फिर 11 KV सब स्टेशन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 11 KV सब स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और 11 KV से कितने पे भेजे हैं, 440 वोल्ट पे, 11 KV से 440 वोल्ट पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन को भेज दिए हैं, ठीक। फिर आगे क्या, यहाँ पे स्टेप डाउन किए हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर और सीटी लगाने के बाद डायरेक्ट 11 KV फीडर को सप्लाई देती हैं इस वाले लाइन से, और इस वाले लाइन से भी 11 KV फीडर को सप्लाई देती हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्रांसफार्मर से ये जो लाइन आ रही है नीचे वाली, ये देखिए ये यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है, ठीक। और यहाँ भी वही चीज़ लगी हुई है, सीटी लगा हुआ है, फिर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ, ये 11 KV बस नंबर 2 है। अच्छा, फिर इसके लेफ्ट में आ जाइए, यहाँ पे सीटी लगा के, सर्किट ब्रेकर और सीटी लगा के डायरेक्ट
ये 11 के भी आउटगोइंग फीडर नंबर 3 को सप्लाई दिए हैं, और ये आउटगोइंग फीडर फॉर लोकल इंडस्ट्री को सप्लाई दी, यहाँ से सब 11 केवी की सप्लाई दिए हैं। यहाँ पे ये रूरल एरिया के लिए सप्लाई है ये वाली, और ये वाली सप्लाई है रूरल एरिया के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और दिख रही होगी ऊपर, ये बस बार से, ये किसका सिंबल है, हाँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये ऊपर क्या लगा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसे आपको पता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमेशा क्या होती है, अर्थेड होती है, तो यहाँ पे ऊपर अर्थिंग ये दिखाया है। ये टोटल लेआउट है 33 kV upon 11 kV सब स्टेशन का, ठीक है। अब आगे है आपका 220 kV/33 kV का सब स्टेशन, लेकिन उसको हम कल पढ़ेंगे, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। कल उसको पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको ये बताइए, पिछली बार इस बुक से हम करवाए थे कितने नंबर तक आप किए थे, ये हमको बता दीजिए तो थोड़ी आसानी रहे। इसका इमेज भेजते हैं, ऐसा है हम दिखा रहे हैं, इसका इमेज ले लो एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसका इमेज हम दिखा रहे हैं, इसका इमेज ले लो क्लियर दिखेगा। ये आपको इमेज ये रहा क्लियर इमेज, इसका इमेज ले लीजिए। बाद में हमको समय मिले ना मिले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे हमको बताइए कितने क्वेश्चन नंबर तक हम कराए थे। ये लगभग हुआ था 49 तक, नहीं 54-55 तक हुआ था। आशीष प्रजापति वो शायद निशा प्रजापति है, ठीक है। आगे देखते हैं 369
आगे देखिए 68 क्वेश्चन 368 ये क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर इन एन ओवरहेड लाइन द कोरोना लॉसेस रिड्यूस। मतलब बंडल कंडक्टर को यूज करने से ओवरहेड लाइन में कोरोना लॉस कम होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज एंड कैपेसिटेंस रिड्यूस। और तीसरा कह रहा है कोरोना लॉस कॉसेस इंटरफेरेंस इन एडजॉइनिंग कम्युनिकेशन लाइन। इनमें से कौन सा सही है, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा, तीनों सही है। मैक्सिमम लोग ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। 368 का ए तो कतई नहीं सही है। देखिए दूसरा नहीं सही है, बंडल कंडक्टर यूज करने से आपका इंडक्टेंस कम होता है, बढ़ता नहीं है, इंडक्टेंस कम होता है, ठीक है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही नहीं है, तो इस तरह से इसका तीसरा सही हो जाएगा। क्या पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, मतलब कि कोरोना लॉस कम होता है, इसके साथ ही कोरोना लॉस कॉसेस इंटरफेरेंस इन एडजॉइनिंग कम्युनिकेशन लाइन, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है द कंडक्टर ऑफ एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। बहुत शानदार क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में जो कंडक्टर की साइज होती है वो किसके हिसाब से किसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की जाती है। पहला है करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वहन की क्षमता। दूसरा है कोरोना तथा रेडियो इंटरफेरेंस परफॉर्मेंस। तीसरा है लाइन वोल्टेज और चौथा नन ऑफ द अबव। लास्ट के दो डिजिट लिख के तब आंसर कीजिए। 69 का कौन सा आएगा, सोच के बताइए। बहुत अच्छा है, ये बताए भी हैं। सी कह रहे हैं को लाइन वोल्टेज। आशीष प्रजापति सी, आनंद पांडे सी। सब लोग गलत बता रहे हो यार। बताए थे कि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होता है उसका कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस को देख कर डिज़ाइन करते हैं लाइन को। आप या तो पिछली क्लास नहीं देखे होंगे। हाँ मोहम्मद कैफ ठीक बता रहे हैं, कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस को देख के यूज करते हैं। अगला है देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोनेंट वाइब्रेशंस लाई इन द रेंज ऑफ। ये आपको नहीं बताए हैं, 370 नहीं बताए। इसका ऑप्शन है सी, 50 से 100 हर्ट्ज तक जो रिजोनेंट वाइब्रेटर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। आगे क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर किया कीजिए। अरे 369 नहीं, केवल लास्ट की डिजिट लिखेंगे, 69 तो भी सही है। हाँ 371 देखिए, ऑन व्हाट बेसिस ऑन व्हाट बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ ए 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड। जैसे जो 400 kV का इंसुलेशन है वो किस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं, क्या लाइटनिंग ओवर वोल्टेज आकाशीय ओवर वोल्टेज से
या कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज से, या स्विचिंग ओवर वोल्टेज से, या रेडियो एंड टीवी इंटरफेरेंस से। मोहम्मद कैप कह रहे हैं सी, 371 का सी। और लोग कमेंट करें छठ से। आशीष प्रजापति सी। प्रमोद कुमार नहीं, इसका सी आंसर होगा। स्विचिंग ओवर वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे ये तीन चार क्वेश्चन हैं, ये न्यूमेरिकल हैं, ये आपके लेवल से ऊपर के हैं, इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ऊंचाई फिक्स करनी पड़ती है। आगे है आपका कि सीरीज कैपेसिटर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू। सीरीज अभी जो आपने लेआउट में देखा वो किस तरह का कैपेसिटर था, वो लाइन के पैरेलल में लगा हुआ था। अभी जो आपने लेआउट में 33/11 केवी के सब स्टेशन में देखा वो पैरेलल कैपेसिटर था। और एक होता है कि जैसे जो ट्रांसमिशन लाइन आपकी गई है ना तार, उसी के सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि वो किस लिए लगा होता है। पहला कह रहा है कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा कह रहा है रिड्यूस लाइन लॉस, तीसरा कह रहा है लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट, या चौथा कह रहा है इम्प्रूव पावर फैक्टर। इनमें से कौन सा सही है? 376 का बताइए। छिहत्तर का आशीष प्रजापति डी, आनंद पांडे ए। और लो, अभय कुमार शर्मा ए। हाँ, ये लाइन वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर पूछे कि पैरेलल किस लिए यूज करते हैं, तो पैरेलल वाला पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज यूज टू। सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज यूज टू। पहला ऑप्शन है रिड्यूस द लाइन लोडिंग, लाइन लोडिंग को कम करने के लिए। दूसरा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा, वोल्टेज प्रोफाइल को रिड्यूस करने के लिए। और चौथा, इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइन। 77 का बताइए। बच्चों, एक, हाँ, 77 का बी नहीं, हाँ, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सही, 77 का बी है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो आपने पढ़ा है, ये वाला जो आपने आंसर किया है कि कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप, ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। आंसर क्या है कि इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये अच्छा आंसर है। वो ऊपर वाला सही नहीं है। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, लाइन जो होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। लाइन में रिएक्टेंस होता है। और किसी ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर कैपेबिलिटी होती है, जो पावर कैपेबिलिटी होती है, ये होता है P = V1 V2 / x sin lambda। ये पावर कैपेसिटी होता है। V1 सेंडिंग एंड वोल्टेज,
वी टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, और x क्या है बीच का रिएक्टेंस, बीच का रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस में आपको पता है इंडक्टेंस होता है। तो पावर कैपेसिटी कब बढ़ेगी, ये V1 और V2 तो फिक्स हैं, और साइन लैम्डा ये एंगल है। अगर इस आप रिएक्टेंस को कम करेंगे ना, तो पावर जो कैपेबिलिटी है, पावर वहन क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। तो रिएक्टेंस को कम कैसे कम कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपके पास इंडक्टर बीच में लगा हुआ है, इंडक्टर का पॉजिटिव में रिएक्टेंस होता है, और हाँ इंडक्टर का पॉजिटिव रिएक्टेंस होता है और कैपेसिटर का नेगेटिव। तो अगर इंडक्टर के साथ इसी के सीरीज में आप क्या करें, कैपेसिटर लगा दें, तो इसका रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और रिएक्टर रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और पावर कैरिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो जो सीरीज कैपेसिटर यूज होता है वो बेसिकली यूज होता है इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ना कि वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए। वो आंसर सही नहीं है, दिया तो जरूर है लेकिन वो आंसर सही नहीं है। हाँ ये भी सही है, कंपनसेट इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये भी सही है, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉप वाला नहीं सही है। ठीक है आगे आइए, हाँ ये देखिए कि अगला है, सीरीज कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सीरीज कैपेसिटर यूज किए जा सकते हैं क्यों। ओहो एक क्वेश्चन और था, रुको रुको, 378 वाला देखो, सीरीज कैपेसिटर्स, सीरीज कैपेसिटर के बारे में चार बातें लिखी हुई हैं, इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लॉन्ग लाइन, दूसरा कह रहा है प्रोवाइड वोल्टेज कंट्रोल, तीसरा कह रहा है इंक्रीज द शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन। क्या सही होगा, 378 का बताओ। हाँ अभय शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडक्टेंस को कंपनसेट करने के लिए। 378 का बताइए, तो डीपली में मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं ना कर पाओगे। 378 का ए होगा, इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, यही अभी आपको बताया, तभी तो इसका आंसर कर पाएंगे, डीप में ना जानो तो कर ही नहीं पाओगे। केवल आंसर लेने से काम नहीं चलेगा जब तक उसका उसके पीछे लॉजिक ना जानो। अगला है आपका, हाँ उसका ए आंसर होगा 78 का, सीरीज कैपेसिटर कैन बी यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सीरीज कैपेसिटर किस लिए यूज होते हैं। पहला टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट की हिंदी क्या होगी, मतलब अर्थ ये है कम या ज़्यादा करने के लिए। बी है टू रिड्यूस द रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर लाइट लोड कंडीशन, जैसे जब लोड आपका बहुत कम है तब रिसीविंग एंड वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तीसरा है टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, और चौथा है टू रिड्यूस लाइन लॉसेस। 79 का बताइए, हाँ बिल्कुल सही, आप क्या कह रहे हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेट कर रहे हैं सीरीज कैपेसिटर से। तो देखिए सीरीज से ही कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे आ गया संट कंपनसेशन, संट कंपनसेशन इन 380 का देखिए, हाँ बिल्कुल सही, 79 का ये ए है, 380 का देखिए, संट कंपनसेशन इन एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज यूज टू इम्प्रूव संट कैपेसिटर। अभी जो आप देखे हैं ना बस बार में, संट कैपेसिटर वो संट कैपेसिटर था,
सेंट कैम्पसिटर जो था वो किस लिए यूज हुआ था? पहला कह रहा है स्टेबिलिटी एंड फॉल्ट लेवल, क्या इम्प्रूव करने के लिए? स्टेबिलिटी तथा फॉल्ट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, फॉल्ट लेवल मतलब जो फॉल्ट का करंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, कम करने के लिए। दूसरा, फॉल्ट लेवल एंड वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। तीसरा, वोल्टेज प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी। और चौथा है स्टेबिलिटी, फॉल्ट लेवल एंड वोल्टेज प्रोफाइल। अस्सी का बताइए। अभी आपको बताया है कि जो शंट कैपेसिटर होते हैं वो वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा एक चीज़, फॉल्ट लेवल से इनका कोई संबंध नहीं है, फॉल्ट लेवल से इनका कोई संबंध नहीं है। तो तीन में फॉल्ट लेवल है, वो तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। बचेगा कौन? सी, फॉल्ट लेवल से शंट कैपेसिटर का कोई संबंध नहीं है। तो ए में फॉल्ट लेवल है, बी में फॉल्ट लेवल है, डी में फॉल्ट लेवल है, सी में नहीं है। सी में क्या है? शंट कंपनसेशन से। शंट कंपनसेशन मींस कि उसके समांतर में आप कैपेसिटर लगा दें, उससे क्या होता है कि वोल्टेज प्रोफाइल मतलब वोल्टेज जैसे बहुत डिप कर रहा था, कम हो जा रहा था, वो सही हो जाता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप आगे देखेंगे जब इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तब स्टेबिलिटी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। ठीक है, आगे है द मोस्ट एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल मेथड ऑफ अचीविंग रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इज बाय यूजिंग, कह रहा है कि सबसे एक्यूरेट मतलब सबसे सही तथा वर्सेटाइल मतलब हर स्थिति में जो यूज किया जा सकने वाला रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कौन सा है? ठीक है, पहला है स्विच कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर बैंक होता है जिसको आप जब चाहे स्विच कर ऑन कर लें, जब ऑफ कर लें। दूसरा है फिक्स्ड कैपेसिटर विथ कंट्रोल्ड रिएक्टर। तीसरा है सैचुरेबल रिएक्टर विथ कैपेसिटर बैंक। तीसरा है स्विच कैपेसिटर विथ कंट्रोल रिएक्टर। कौन सा इफेक्टिव मेथड है? 381। इसका डी होगा, ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है, इसका आंसर डी होगा। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं, इसको आगे फिर करेंगे, धीरे धीरे हम सब करवा देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, हाँ डी होगा। ठीक, आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। सात लोग हो आज, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाइए।